इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के पोस्ट इलाके इंद्रपुरम में। आप देख सकते हैं रात की बारिश की वजह से इलाके में वाटर लॉगिंग हुआ है, तमाम जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये गाजियाबाद के इंद्रपुरम न्यायखंड 3 की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो पूरी सड़कें हैं, पूरे रास्ते हैं वो पानी में जलमग्न हो गए हैं। जो लोग हैं उन्हें निकलना बढ़ना बड़ी मुश्किल हो रहा है, और जो ऑफिस को जाने वाले लोग हैं उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, छाता लगा करके बाइक पर किस तरह जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये तस्वीरें इंद्रपुरम की हैं, उस इलाके की हैं जहाँ से इस प्रदेश को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जाता है। और सीवर की बात की जाए तो सीवर के नाम पर यहाँ बिल्कुल भी व्यवस्था चौपट है और लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। ये देख सकते हैं गाड़ी का नज़ारा कि आखिर किस तरह से गाड़ियाँ पानी में होकर के गुजर रही हैं। कई कई फिट पानी यहाँ भरा हुआ है और लोग अपने घर से सुबह निकले हैं और दूध लेने के लिए और तमाम ज़रूरी चीज़ सामान लेने के लिए छाता लगा करके लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिक्कतें वही हैं कि आखिर किस तरह से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और नगर निगम, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि इलाके में ठीक व्यवस्था की जाए, आखिर किस तरह से उनकी लापरवाही के चलते हुए एक बार फिर इलाके में वाटर लॉगिंग हुआ है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। करण वी कश्यप, टोटल न्यूज़, गाजियाबाद।